शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र सीहोर में भ्रष्टाचार के मामले आना आम बात हो गई है, क्योंकि बीजेपी नेताओं से ठेकेदारों की अच्छी सांठगांठ के चलते ठेकेदार घटिया निर्माण करा रहे हैं, जिसका उदाहरण आप हायर सेकेंडरी स्कूल लाड़कुई में देख सकते हैं, जो अपनी व्यथा खुद बयां कर रहा है। पूरा मामला नसरुल्लागंज क्षेत्र के ग्राम लाड़कुई से सामने आया, जहाँ शासन द्वारा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की स्वीकृति देने के बाद PIU लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका निर्माण ठेकेदार आरोरा सीहोर द्वारा किया गया था। ग्रामीणों की माने तो निर्माण के दौरान भी कई अनियमितताएं देखने को मिली, जिसको लेकर भी निर्माण एजेंसी को अवगत कराया गया था, लेकिन इस ओर ठेकेदार ने कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व में बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने की शिकायत की गई थी, तो ठेकेदार द्वारा छत पर बालू रेत बिछाकर उस पर हल्का सा सीमेंट का माल बिछा दिया गया। जब उस पर पैर रखते थे तो वहां गड्ढा पड़ जाता था। इसके बाद ठेकेदार द्वारा छत की मरम्मत की, लेकिन बावजूद इसके आज भी स्कूल भवन की छत से पानी का टपकना व दीवारों में दरारें देखी जा सकती हैं। वहीं एक बार फिर स्कूल प्रभारी की शिकायत पर PIU SDO व अधिकारी द्वारा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का निरीक्षण किया गया। वहीं PIU के SDO मोहम्मद अली सिद्दीकी के द्वारा भवन की छत की मरम्मत कराने की बात कही गई है। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए सीहोर से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। दरार को जो है ना, दरार को क्या करोगे? वो जब तक हमारे हेड आ गई है, वो जब तक जो गई मेरा मतलब फाड़ कर दोबारा हेड आ गई, जब तक आज फिर पुताई कर रहा है तो अपन इसका तब हुआ करेगा। तो 5 साल बाद पहली बार तो भी पुताई करी थी। ये अभी ये क्या डाला ये आपने? ये डैम प्रूफ डाला है, ये इंजीनियरों का आदेश था, हमारे चेक करा था कि इस पे डैम प्रूफ करते हैं, तो जगह जगह पानी थोड़ा बहुत चुभ रहा है ये बंद, और उसका बरसात अभी हुई तो अपन उसको इसलिए जाँच करनी आएगा सुधार नहीं तो आएगा। विभाग है ना समय समय पे इसका निरीक्षण करता रहता है, और है ना ये अभी ये हैंड ओवर हुई है, और है ना कुछ कागज प्रस्तुत हैं, और ये 5 साल की गारंटी में ऐसा है ना, ऐसा जैसे आज शिकायत आई थी तो संबंधित को इसका फोटोग्राफ और प्रतिवेदन तैयार करके 30 तारीख की मीटिंग है जो हमारी, उसमें हमको प्रस्तुत करना है। उसके हिसाब से जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी निर्णय लेंगे उस हिसाब से विभाग को लिखा जाएगा, निर्माण एजेंसी को वो कार्रवाई करेंगे। ठीक किया गया है, क्या व्यवस्थाएं रहेगी जिससे कि छत में पानी नहीं आए? ये ठेकेदार का फाइनल मतलब नहीं हुआ है, ये इनको करना है, इनकी गारंटी भी रहती है, तो ये अभी इसको इनके पास कंपनी के आदमी बुलाया है, इसकी रिपेयर करके उसको बस सही करेंगे। अगर उसमें फिर कोई रही तो फिर उच्च अधिकारी भी हमारे आके देखेंगे, उसके निर्देश अनुसार ही काम मिलेगा। सर जैसे देखा जा रहा है कि पूर्व में इसमें 2 बार रिपेयरिंग का काम किया गया है छत में, लेकिन कहीं भी लग नहीं रहा है कि पानी रुक रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? देखा जा रहा है नहीं, इन्होंने पूरी छत पे रिपेयर किया है, लेकिन उसमें कहीं कोई कमी रह गई, बाल आ गया है, तो उस रिपेयर में से पानी कहीं अंदर बैठ रहा है, जो कि क्या रहा है जगह 2-4-8 जगह पर देखा कहीं बाल वाल आए हैं, उस जगह को काट के ये फिर से रिपेयर करेंगे, इनकी गारंटी है, कंपनी गारंटी ले रही है, तो करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी बात होती है तो फिर से उसको कराया जाए, ठेकेदार करेंगे। जैसे कंपनी गारंटी की बात कर रही तो गारंटी में तो बिल्डिंग तैयार होती है, उसके बाद पानी वो ऐसा नहीं है, अभी शुरुआत है, पहली बारिश है, लेकिन वो उसकी जो भी कमी है उसको दूर करके ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो हैंड ओवर जैसे शासन को हैंड ओवर कर दी गई है, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल को माना जाए, अभी हैंड ओवर का कार्य नहीं हुआ है, अभी ना शिक्षा विभाग दिया गया है ना, अभी हम लोगों का जब हम बनवाते हैं हम लोग हैं तो हैंड ओवर करने का सवाल ही नहीं होता, अभी ठेकेदार सब साथ में है, इनको करना ही है, ऐसा कोई जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। जब हमने भी ये करा है तो वो 5 साल तक ही करेंगे रिपेयर, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल तो क्या उम्मीद जताई जाए कि इसमें 5 साल तक ही रिपेयरिंग का काम चलेगा? नहीं साहब, ये अभी करना पड़ेगा, अभी होगा ये सब 5 साल 10 साल को, तो फिर आदमी बाउंडेड है, जब जो काम होगा करके देगा, लेकिन अभी तो फिलहाल उसको रेडी करा जाएगा जल्दी से जल्दी।